ट्रंप अटैक पर यह ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दरअसल अस्पताल से निकले हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानकारी मिली है। अस्पताल से ट्रंप का जो काफिला है उसके निकलने की खबर आ रही है सामने। आपको बता दें कि इस हमले में ट्रंप घायल हो गए थे। फायरिंग में एक आम नागरिक की मौत हुई है और गोली लगने से रैली में आए दो लोग भी घायल हो गए। तस्वीरें सामने आ रही हैं पिट्सबर्ग के एलेग्नी जनरल हॉस्पिटल के बाहर से ट्रंप का काफिला निकलता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए आप। हमले के बाद सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को इलाज के लिए भर्ती यहीं पर किया था, लेकिन ट्रंप की हालत स्थिर होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। ट्रंप हमले पर ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त जी न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। और ये आप देखिए, नई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं ऊंचाई वाले इलाके से, कैसे एक शूटर जो है वो गोली चलाने की कोशिश करता है, कई राउंड फायरिंग करता है और उसके बाद जो सीक्रेट सर्विस है, जो कमांडोज वहां पर मौजूद थे, उनके द्वारा उस हमलावर को मार गिराया गया। ये तस्वीरें आपके सामने। गोली लगने से रैली में आए दो लोग भी घायल हो गए और एक नागरिक की मौत हो गई है। और अब आपको हम ट्रंप पर अटैक का वो घड़ी, वो मौका, जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ, एक एंगल से, एक अलग एंगल से आगे दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिएगा, ट्रंप भीड़ को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, ट्रंप भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। ट्रंप की सिक्योरिटी में तैनात सीक्रेट सर्विसेज के दो स्नाइपर्स पीछे की छत पर तैनात नजर आ रहे हैं। और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि ट्रंप पर गोली चलने से पहले एक स्नाइपर को कोई हलचल वहां पर नजर आई थी, लेकिन अगले ही पल ट्रंप पर गोली चल गई। ट्रंप को गोली छूती हुई निकल गई और वो घायल हो गए। ट्रंप को मौके से वहां से निकाला गया, उनका रेस्क्यू कर अस्पताल में उनको पहुंचाया गया और हमलावर को मार गिराया गया है। और सीक्रेट सर्विस की तरफ से भी इस बयान को दिया गया है, आधिकारिक बयान सामने आया है सीक्रेट सर्विस का कि एक हमलावर जो कि वहां पर मौजूद था, जिसने गोली चलाई, उसको मार गिराया गया है। हालांकि जांच हो रही है उसके पीछे और कौन लोग हैं इसके बारे में पता लगाने की कोशिशें हो रही हैं। तो जी न्यूज आपको एक्सक्लूसिव विजुअल सिखा रहा है। तो ट्रंप की हालत फिलहाल ठीक नजर आ रही है। तो तस्वीरें देखिए आप, एक छत पर जो शूटर था उसको मार गिराया गया है और ये सीक्रेट सर्विस ने मार गिराया शूटर को। सीक्रेट सर्विस ट्रंप की सुरक्षा में हुई इस चूक की जांच में लगी हुई है कि चूक इतनी भारी आखिरकार हो कैसे गई। तो सीक्रेट सर्विस ने इस शूटर को मार गिराया है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसी छत पर ये शूटर आपको नजर आ रहा है जिसको मार गिराया गया है। इसी शूटर के द्वारा ट्रंप पर अटैक किया गया पेंसिल्वेनिया में, जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, और पेंसिल्वेनिया में जब वो बड़ी संख्या में लोगों के बीच में मौजूद थे तब अचानक गोलीबारी हुई, गोलियों की आवाज सुनाई दी, लोग भी दहशत में आ गए और पोडियम से नीचे झुकते हुए ट्रंप नजर आए। तो ट्रंप पर अटैक पर बाइडेन का जो बयान है वो भी सामने आया, ट्रंप की हालत फिलहाल ठीक है। अमेरिका में ऐसे हमलों की कोई जगह नहीं कहते हुए नजर आए हैं जो बाइडेन। उन्होंने कहा है कि सभी को मिलकर इस हमले की निंदा करनी चाहिए, निंदनीय ये घटना सामने आई है और अमेरिका में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, जो हमले हैं, उसकी कोई भी जगह नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप की हालत फिलहाल ठीक है। मीडिया के सामने जो बाइडेन आए, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ट्रंप अभी ठीक है। तो अमेरिका में ऐसे हमलों की कोई जगह नहीं, बाइडेन का जो बयान है उसमें ट्रंप की हालत को लेकर जानकारी दी गई कि तबीयत फिलहाल ठीक है और अमेरिका में इस तरह के अटैक्स की कहीं भी कोई जगह नहीं, ये कहा गया है बाइडेन द्वारा। आपको बता दें कि अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। कुछ देर पहले अस्पताल से उनका काफिला निकलता हुआ भी नजर आया था। इससे अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप एकदम ठीक है।